हेलो एवरीवन। तो यार जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि वो लोग एक गेम खेलते हैं और एट लास्ट वो लोग वो अपने ग्रुप फोटो भी खींचते हैं। और यार हमें चैप्टर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है काजो जो कि अपने रूम में पड़ा होता है, वो यहाँ पर चैट जीपीटी में सर्च करता है आखिर जिस लड़की को हम पसंद करते हैं उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आए। तो चैट जीपीटी बताता है, पहले तो तुम्हें उस लड़की की ओर अप्रोच करना होगा और आखिर तुम किस तरह से उस लड़की की ओर अप्रोच करोगे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और ये ज़रूरी होता है कि उसकी तरफ रेस्पेक्टफुल और काइंड होना, और ये सब करने से तुम रिलेशनशिप बना सकते हो। और ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद काजो सोचने लगता है आखिर ये सब क्या है, मुझे ये सब पहले ही पता है। इसके बाद काजो वही ग्रुप फोटो को देखने लगता है और यहाँ पर वो वही ग्रुप फोटो को देख के काफ़ी खुश होता है। और वो तभी सोचने लगता है अभी मेरे पास 2 हफ्तों से भी काफ़ी कम वक्त है, इसके बाद हम फिर से अलग रहेंगे। वो कह रही थी वो ये नहीं चाहती है कि वो आखिर सच में कैसा है लोग उसके बारे में ना जान सकें। मैं ये जानता हूँ, फिर भी जितना भी मैं मिजवार के बारे में जानने लगा हूँ मैं उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। और फिर काजुआ मिजवार के हर एक दाव के बारे में याद करने लगता है। वो फिर खुद से कहता है क्या ये सच में ठीक है, क्या मुझे और भी उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए और आगे आखिर क्या होने वाला है, मुझे वो होने देना चाहिए। ये लिव इन टुगेदर में रहना उसके साथ इसका शुरुआत मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की था और इस चीज़ का मेरे पास कोई डाउट ही नहीं है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा शांत है। फिर तभी काजो खुद से कहता है क्या ये वही शांति तो नहीं है जो कि एक तूफान के आने से पहले है, फिर भी चाहे कुछ भी हो मुझे खुद को कंट्रोल करना ही होगा। फिर तभी हम देखते हैं कि काजो दरवाजे के पास से कोई आवाज़ सुनता है, तो तभी काजो जाके अचानक से वो दरवाज़ा ओपन कर देता है और तभी वो देखता है कि अपने आगे मिजवारा खड़ी होती है। और यहाँ पर भी मिजवारा थोड़ा पहले शॉक हो जाती है। यहाँ पर काजो जो कि बस मिजवार को देखने लगता है और यहाँ पर मिजवार भी सोचने लगती है आखिर क्या हुआ, वो मेरी तरफ घूरता क्यों जा रहा है। काजो जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मेरी बात सुनो मिजवारा। यहाँ पर काजो को से कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन आखिर कैसा जा रहा है, तो प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी काजो मिजवारा को बताने ही वाला होता है मिजवारा क्या तुम्हें इसके बारे में पता है ये इन्वेस्टिगेशन आखिर कैसा जा रहा है। और ये टॉपिक के बारे में सुन के मिजवार भी यहाँ पर चौंक जाती है। तभी हमें दिखा जाता है बाहर से कोई आता है, वो कहता है माफ़ करना इंट्रूजन के लिए। और यार हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं उमी होता है, वो भी मिजवार के घर में काजो को देख के शौक होता है। यहाँ पर तो मिजवार और काजो अभी उमी को देख के यहाँ पर शौक हो जाते हैं, काजो के तो एकदम पसीने निकलने लगते हैं। काजो जो कि बिल्कुल हैरान होते सोचने लगता है क्या उमी आखिर यहाँ पर उमी क्या कर रहा है। और मिजवारा ने भी इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया था कि ये आएगा, क्या ये कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो यहाँ पर सोचता है मेरा मतलब ये मिजवार की फैमिली जोन है और इसके बारे में आखिर उमी को कैसे बताए, क्या इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं। तभी मिजवारा उमी से पूछती है उमी आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उमी मिजवार को बताता है माफ़ करना यहाँ पर अचानक आ जाने के लिए। वो कहता है चिजुरू चैन तुमने ये मेंशन किया कि आज के प्ले के लिए तुम ऑफ लेने वाली हो और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के अल्टर के पास आके प्रे करूंगा और इसलिए मैंने सोचा शायद तुम अपने घर में होगी। तभी उमी भी काजो को देख के कहता है तुम काजो हो ना, हमने लाइन्स एक्सचेंज किए थे और इसके लिए सॉरी कि हम लोग उस दिन के बाद से कभी फिर से मिले नहीं। तो यहाँ पर काजो भी कहता है यार कोई बात नहीं। तभी उमी काजो से पूछता है क्या तुम भी यहाँ पर चिजुरू से मिलने आए थे। और यार ये बात सुन के यहाँ पर तो मिजवार और काजो जो कि समझ नहीं पाते कि वो आखिर उमी को क्या बताएं। काजो यहाँ पर सोचने लगता है क्या उसे लग रहा है मैं एक गेस्ट हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि यामोरी भी तभी पीछे से आ जाती है और वो तभी पूछते क्या हुआ है। वो तभी उमी की तरफ देखते हुए मिजवार से पूछती है आखिर ये कौन है, तो मिजवार भी तभी बताती है ये है उमी नाकानो कौन। और यहाँ पर तो यामोरी भी थोड़ा हैरान होती है और यहाँ पर वो समझ आती है कि ये आखिर कौन है। तभी मिजवार भी बताती है उमी से ये है यामोरी चैन और उमी कहता है कि तुमसे मिलके भी अच्छा लगा। यहाँ पर हम देखते हैं काजो जो कि सोच रहा होता है अभी ये क्या हुआ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, नहीं नहीं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मुझे अभी ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि जैसे कि मैं यहाँ पर कोई गेस्ट हूँ या फिर मुझे अभी यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन मेरे कपड़े ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कहीं पर घूमने आया हूँ। और अगर वो घर के अंदर जाएगा तो शायद उसे पता चल जाएगा और ये और भी थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर तो मिजवारा पहले झूठ नहीं कह सकती, तो आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए। तभी मिजवारा उमी से कहती है आई एम सॉरी उमी,
मुझे अभी तुम्हें सारी सच्चाई बतानी ही होगी। और वो उम्मीद से कहती है, मैं तुम्हें तो इस बात से बिल्कुल भी चौंकाना नहीं चाहती थी, लेकिन हम लोग तीनों यहाँ पर लिविंग टुगेदर में रह रहे हैं, और वो लोग आखिर वो अपार्टमेंट से कैसे निकल के यहाँ पर आए, वो सारी बातें मिजोहरा उम्मीद को बताती है। तो उम्मीद भी कहता है, तो तुम लोग वहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए हो। तभी मिजोहार भी उम्मीद से कहती है, और यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और अल्टर बगल में ही है। यहाँ पर तो काजो के दिमाग में चल रहे होते हैं, आखिर उम्मीद क्या सोच रहा होगा, क्या मैंने फिर से मिजोहार के लिए कोई परेशानी तो खड़ा नहीं कर दिया ना। ये हर एक चीज़ काफ़ी जल्दी हो रहा है, मेरा मतलब हम अभी मिजोहार के ग्रैंड पेरेंट्स के घर में हैं, और उम्मीद यहाँ पर एक विजिट के लिए आया है। तभी यामोरी काजो को खींच के एक जगह पर लेके जाती है। तभी वो काजो से पूछती है, मास्टर आखिर उमी को यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये दोनों सच में काफ़ी क्लोज है। और यहाँ पर काजो को भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। यामोरी कहती है, वो इंसान सच में काफ़ी हैंडसम है। तो काजो कहता है, तो क्या हो गया, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी यहाँ पर तो काजो परेशान तो दिख ही रहा होता है। यामोरी यहाँ पर काजो को समझाते हुए कह रही होती है, मास्टर शांत हो जाओ, एक बेबी की तरह परेशान होना बंद करो। और ऐसा लग रहा है कि वो बंदा पहली बार यहाँ पर आ रहा है, और मिजोहरे ने भी हमारे बारे में उसे बता ही दिया, तो कुछ अजीब तो नहीं होने वाला। फिर यामोरी कहती है, फिर भी एक परेशानी है, आखिर यहाँ पर उमी कौन आई क्यों है, क्या उमी यहाँ पर मिजोहर के ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से आए हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, क्या इस चीज़ को उमी कौन कोई एक्सक्यूज़ की तरह तो यूज नहीं कर रहे हैं ताकि वो मिजोहर के और करीब आ सकें। और मुझे इस चीज़ का भी डाउट है कि मिजोहर के साथ तुम्हारा लिविंग टुगेदर में रहना, क्या वो इस चीज़ को मान भी सकता है। वो कहती है, हो सकता है कि वो बस मिजोहर के ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से आया है, शायद वो एक अच्छा बंदा भी होगा। यहाँ पर यामोरी की सारे बातें सुनते हुए काजो जो कि सोचने लगता है, शायद यामोरी सच कह रही है, फिर भी उसका इंटेंशन आखिर क्या है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। आखिर ऐसा कौन सा बंदा नहीं होगा जिसे मिजोहरा नहीं चाहिए, अगर वो मिजोहर के लिए सीरियस हो जाएगा तो आखिर तभी क्या होगा। तभी काजो खुद को दिलासा देते हुए कहने लगता है, ठीक है, ये सही है, हर एक चीज़ जल्दी सही हो जाएगा। और यार यहाँ पर हमें मिजोहरा और उमी का सीन दिखाया जाता है, मिजोहरा जो कि उमी को वही अल्टर की तरफ लेके जा रही होती है, और यहाँ पर उमी जो कि मिजोहर को पीछे से नोटिस कर रहा होता है, और यहाँ पर यामोरी एंड काजो जो कि पर्दे के पीछे होते हैं, और यहाँ पर वो दोनों बात करने लगते हैं, क्या कोई आवाज़ सुन रहे हो तुम। तो यहाँ पर यामोरी काजो को कहने लगती है, मास्टर आप मुंह बंद करिए। और यार इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और अब से मैं एक एक चैप्टर एक एक दिन में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो यार तब तक के लिए ओके बाय।